हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैंने बनाया है कद्दू का रायता, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कद्दू के रायते के लिए हमने कद्दू ले लिया है, इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए, मैंने कद्दू को काट लिया है, उसको मैंने धो लिया है। अब मैं इसको डाल दूंगी और इसमें मैं पानी डाल दूंगी जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें हसबे ज़रूरत मैंने नमक डाल दिया है और मैं इसको बंद करके रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। अब मैं इसको मैश कर लूंगी इस तरह। ये देखिए, मैं इसको मैश कर रही हूँ। अब मैं इसको तब तक मैश करूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से मैश ना हो जाए। ये देखिए, मैश हो गए हैं। अब मैं इसको दोबारा ढक्कन देके रख दूँगी और जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैं इसको दोबारा पकाऊँगी। ये देखिए, इसका पानी ड्राई हो चुका है। मैं दोबारा हल्का सा इसको मैश कर लूँगी। ये देखें, मैंने मैश कर लिया है। अब मैं ज़ीरा ले लेती हूँ, इसको मैं भून लूँगी और साथ ही दो जो लाल मिर्च है वो भी और सूखा धनिया भी, इसको मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। ये देखें, इसने कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे पीस लेती हूँ। ये देखें, मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं धनिया, पुदीना और एक हरी मिर्च, इसको भी मैं इसकी चटनी बना लूँगी। ये देखें, इसको भी मैंने पीस लिया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। लौकी या कद्दू को मैंने निकाल के बाउल में निकाल लिया। मैंने पकौड़ियाँ ले ली हैं, वो मैंने भिगो के पानी में रख ली थी। आलू ले लिया है मैंने, टमाटर ले लिया है और थोड़ा सा मैंने प्याज ले लिया है। ये मैंने मसाला पीस लिया था, ज़ीरा, लाल मिर्च और सूखा धनिया, ये वो है। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी है। हसबे ज़रूरत नमक है और एक चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। कद्दू को मैं डाल दूँगी अंदर और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो गया, अब मैं ये चीज़ें अंदर डाल दूँगी, पकौड़ियाँ, आलू, प्याज एंड टमाटर। इसको भी मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी और ये चटनी डाल दूँगी साथ ही। इसको भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गरम गरम रोटी के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, हमारा रायता तैयार है। अब मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। देखें, बहुत ही मज़ेदार रायता तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।